brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ हैं सुषमा वर्मा. काफी लंबा वक्त इनको लगा वापसी करने में. 2016 वो आखिरी साल था जब हमने इनको T20 फॉर्मेट में देखा था, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन टीम में देखा था. लेकिन वही होता है कि हार्डवर्क जो है आपको कभी ना कभी आपका रिजल्ट जरूर देती है. और सुषमा जिस तरीके से अपने हार्डवर्क कर रही थी, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो और चाहे वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर हो, तो आज उनको जो है इसका फायदा मिला और उनको टीम से जो है वापसी सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा दिखाया है. सुषमा, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़ी हैं. और सबसे पहले तो यही कि ये जो साल था 2016 से 2023 बोलूंगा क्योंकि अब 23 शुरू हो चुका है, ये साल आपने कैसे निकाला, वो ये ड्रीम रखते हुए कि मुझे कमबैक करना है? आई थिंक टाइम थोड़ा टफ था इनिशियली खुद को रिकलेक्ट करना कि मुझे करना क्या है, अगर मैं ड्रॉप हुई हूँ तो क्या रीजंस है. ऑल्दो जब आप ड्रॉप होते हो तो आपको कोई रीजन नहीं बताता है कि क्यों ड्रॉप हुए, आपको खुद ही रिव्यू करना होता है चीज़ों को. मेरे पास टाइम काफी था, बट मैं कहूंगी कि शायद T20 लास्ट मैंने 2016 खेला, उसके बाद ODIs खेल रही थी, फिर वापस बीच में कमबैक हुआ 19 में वेस्ट इंडीज के, वहां पे भी कोई मौका नहीं मिला. तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि अगर मुझे मुझे सिर्फ 15 में नहीं आना है, अभी मुझे डेब्यू नहीं करना है, मुझे कमबैक करना है, जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए. तो वही था, कुछ एक एरियाज थे जहां मुझे वर्क करना था खुद पे, स्पेशली अगर इंडियन टीम की मैं बात करूँ तो वहां जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करनी है मुझे, वो मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर में जाके आप मैच किस तरीके से खत्म करते हो, और वो शायद मिनिमम बॉल्स में वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग खेल पाते हो. तो उन चीजों पे काम किया, वापस अपने एकेडमी में जाके कोचेस के साथ बैठ के थोड़ा सा पहले हमने होमवर्क किया कि हमें किन चीजों पे काम करना है इंडिविजुअली और किस टीम के लिए मेरा क्या रोल होने वाला है. काफी मैं कहूंगी कि शायद यही था कि जो हसल थी वो मेरे अंदर थी कि मुझे ये चीजें वापस पानी है, और वो वापस पाने के लिए मेरा रोड मैप बहुत क्लियर था कि मुझे किस तरीके की मेहनत करनी है. एट द एंड अगर मैं आज बैठ के कहूँ कि यस डेफिनेटली हार्ड वर्क पेज ऑफ, आप सिर नीचे करके मेहनत करते रहो, तो मेरा भी यही था कि मेहनत करते रहो और बेटर करते रहो. एक साल नहीं, दो साल नहीं, 3 साल. मैं बात करूँ 2018-19 की, तो वो सीजन में मैंने इस सीजन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था. तो उस टाइम भी मैं होपफुल थी कि मुझे शायद मौका मिलेगा, बट अगेन IPL जैसे प्लेटफॉर्म पे जो हमारा विमेन का जो एग्जीबिशन गेम्स हो रहती है 2-3 जो अभी तक होती आई है, उसमें भी मौके मिले, वहां पे भी अच्छा किया, वहां पे भी वही रोल जो फिनिशर वाला रोल था या फिर मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देनी है, तो वो काफी क्लैरिटी मुझे मिली. और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है, तो मुझे लगता था कि शायद मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रही थी और सही प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसी को लेके कॉन्फिडेंट थी. अरे सुषमा जी, विकेट के पीछे का रोल एक अलग रोल होता है और विकेट आगे का रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर आपको बैट से भी कंट्रीब्यूट करना होता है. और आपका चूंकि नंबर ऐसा है, आपकी जगह ऐसी है, जब आप बैटिंग करने आते हो काफी प्रेशर होता है और कम गेंदों पर जो है ज्यादा रन करने होते हैं, ये कितना डिफिकल्ट होता है एक विकेट कीपर बैट्समैन के लिए, विकेट कीपर बैटर के लिए, विकेट के पीछे खड़ा होना और विकेट के आगे खड़ा होना, ये कितना जो है आपको लगता है कि टफ है या फिर चैलेंजिंग है? आई थिंक टफ भी है और ईजी भी है. मैं कहूँगी कि अगर आपको हेल्प मिलती है इससे, तो आप जब कीपिंग कर रहे हो, सपोज आप फर्स्ट इनिंग में कीपिंग कर रहे हो, तो आपको विकेट का आइडिया होता है, आप ओपोनेंट को देख रहे हो किस तरीके से, बिकॉज मुझे लगता है विकेट कीपर के पास बेस्ट व्यू रहता है विकेट का, ग्राउंड का, और किस तरीके का आज किस तरीके से खेलना है. तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से खुद को बैक करते हो, और जब बैटिंग में स्पेशली जब आप चेज कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस तरीके से शायद प्लानिंग में और क्लैरिटी हो जाती है कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो आज आज की वो इनिंग. दोनों रोल्स डिफरेंट भी है और टफ भी है. और इजी में ये कहूंगी कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप शॉर्टेड हो कि आपने ये प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को प्रैक्टिस में डाला है या नहीं, उन सिचुएशंस को आपने, वो सिनारियोज आपने फेस किए, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी मैचेस में थोड़ा इजी हो जाता है उसको कॉन्कर करना, बट दोनों बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है. लेकिन जब वो आता है ना कि फिनिशर का जो टैग आता है कि यार हमारे पास ये फिनिशर है, तो उस रोल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है, अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करें, हमारे पास हैं 2-3 ऐसे जिनके ऊपर हम आग बंद करके बोलते हैं अच्छा 6 गेंदे बची है, तेरे को 15-17 रन बनाने भेज दो, तो वो चीज कैसे आप देखते हो? आई थिंक अभी तक जब मैं वापस ड्रॉप हुई तो मैंने इन्हीं चीजों पर काम किया कि इंडिया टीम में अगर मुझे वापसी करनी है तो मेरा रोल क्या रहेगा. वो यही रोल है एग्जैक्टली जिसकी आप बात कर रहे हो. तो पहले स्टार्ट होता है डोमेस्टिक में. डोमेस्टिक में सबसे पहले मैंने ये चीजें की कि मैं किस तरीके से टीम को जिताऊं और किस तरीके से गेम्स फिनिश करूँ.
तो डेफिनेटली 3-4 सीजन में ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे हिमाचल के लिए, वापस फिर जोन्स और चैलेंजेस में भी। तो इनफैक्ट आईपीएल के वो जो एग्जीबिशन गेम्स थे उसमें भी अच्छा हुआ, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं ठीक प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, अभी ये टाइम है जहां मुझे बैक करना है खुद को, रादर देन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स कि कोई आके मुझे बताएगा। बिकॉज इसमें क्या है कि आपके सक्सेस होने की रेशियो बहुत कम है, बिकॉज वैसे जैसे आपने कहा प्रेशर सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि आप रोज ही क्लिक करोगे, बट यस आउट ऑफ 5 गेम्स आई मीन 2, 3, 3, 4 टाइम्स यू हैव टू यू नो कन्वर्ट वो रन्स, आप और टीम को जिताना है, वो डिफरेंस आपने क्रिएट करना है। अभी भी बहुत सारी चीजें करने को है, बट ये है कि लेट्स सी अभी सिचुएशन, आई मीन जिसके लिए मैंने पिछले 5, 4, 5 साल मेहनत की है और अभी वेट भी किया है, मैं कहूंगी पेशेंटली, और बिल्कुल अभी एक्साइटेड हूँ आगे की वो मौका आएगा और मैं डिलीवर करूँ टीम के लिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मुझे डेब्यू नहीं करना है, आई न्यू कि मुझे कमबैक करना है, तो कमबैक में चीजें बहुत डिफरेंट है कि मुझे वो मुझे सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है कि जाके मैं हूँ टीम में, 15 में हूँ या टीम में आ रही हूँ, मुझे एक वो इम्पैक्टफुल प्लेयर बनना है टीम के लिए जहां मैं टीम को मैच जिता रही हूँ। बिल्कुल। और अब तो बीसीसीआई ने खैर इंपैक्ट प्लेयर की जो भूमिका है उसको और बड़ा बड़ी कर दी है, लेकिन आपने इन सालों में अपने पावर हिटिंग पे ऊपर कितना काम किया? क्योंकि हमने देखा है कि T20 में एक अलग, क्योंकि हर दिन एक अलग तरीके का हमें खेल देखने को मिलता है, बैटिंग का तो कोई अब लेवल रहा नहीं है, तो सुषमा ने कैसे काम किया इसके ऊपर? ये काम शायद ड्रॉप जब हुई उसके बाद से ही शुरू हो गया था, 2016 में लास्ट मैंने T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था वो खेला था, तो रियलाइज हो गया था कि कितनी चीजें पावर हिटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली आने वाले टाइम में। तो 2018 तक जब मैं वनडे की टीम में भी थी उस टाइम पे भी काफी ओडीआई मैचेस हुए, ऑल दो T20 नहीं हुआ वो 2 साल में कोई भी, बट फिर भी मेरी टीम इंडिया में रहते हुए भी यही प्रैक्टिस चल रही थी कि वो हैवी बॉल्स के साथ ट्रेनिंग उस तरीके की, आपके जिम में उस तरीके का वर्कआउट, आप प्रोग्राम वैसा फॉलो कर रहे हो जो कहीं ना कहीं मुझे पावर हिटिंग में मेरी यू नो हेल्प करे। तो काफी काम किया है इन चीजों पे, क्योंकि आईपीएल और अगर T20 की आप देखो मेंस की अगर हम बात करें तो शायद यही वो पावर हिटिंग वाला जो जोन जिसकी हम बात करें, इसी एक मतलब क्रिकेट इस गेम में जो डिफरेंस लाया वो पावर हिटिंग ने लाया। तो मुझे भी मेहनत आई मीन ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ी, और अच्छा लग रहा है कि जो प्रोग्राम फॉलो किया ओवर द इयर्स, काफी लंबा वेट है, काफी लंबी मेहनत है, बट अच्छा लग रहा है आज ये देखिए कि अब वो टाइम है, अब वो प्लेटफॉर्म है जहां मुझे ये चीजें डिलीवर करनी है जो मैंने मेहनत की है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमें जाना है वेस्ट इंडीज के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ जो है ट्राई नेशनल सीरीज खेलने के लिए। इसके लिए आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया? चलिए, हमें पता है स्किल वाइज तो सुषमा तैयार है, इसी वजह से उनको कॉल भी आई है, लेकिन मेंटली एक खिलाड़ी को तैयार होना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की हो, कहीं ना कहीं मेंटली आपको थोड़ा सा रिलैक्स करता है, जिसमें मैं ऐड ऑन करूंगी कि आप कॉन्फिडेंट होते हो। जब आप प्रिपरेशन में शेकी रहते हो, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको कंडीशंस पता नहीं है, आपको ओपोनेंट्स पता नहीं है, अभी आई एम वेल अवेयर ऑफ कि मुझे किस बॉलर को जाके उस नंबर पे जाके किस तरीके के प्लान्स मेरे लिए रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और शायद जब आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हो ना तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, और शायद प्रैक्टिस में वो टफ सिनारियोज से गो थ्रू करना और अपनी जो मैं कहूंगी कि अगर आप राइट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप पूरा दिन आपका प्लान है कि आपने सुबह से शाम तक आपकी रूटीन्स क्या रहने वाली है, तो वैसे ही आपको मेंटली रिलैक्स कर देता है। पिछले 3-4 साल में मैंने यही सीखा है ड्यूरिंग कोविड, खुद को यू नो खुद पे कैसे काम करना है, खुद को और बेटर कैसे करना है मेंटली। शायद जितना आप आपकी रूटीन, आपकी प्रिपरेशन, आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं वो आपको शाम को आके सुकून ही मिलता है कि यार यू नो आपका दिन अच्छा गया, आपने रूटीन अच्छी करी। तो ओवरऑल अगर लंबा इसका रिजल्ट देखें तो यही है कि मेंटली मैं बहुत सॉर्टेड फील करती हूँ, और इसी का ही रिजल्ट शायद जब आप ग्राउंड पे जाते हो उन प्रेशर सिचुएशंस में, आई एम बेटर देन बिफोर, जो मेरा पहले रिएक्शन था वो अभी और बेटर है, और काम है और सॉर्टेड है, आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कि मैं एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ, सो उसी तरीके से मैं खुद को बैक भी करती हूँ। कप्तान की अगर बात की जाए और अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए, आप क्या कहेंगे? दोनों पे अलग अलग चीजें बताइए, हरमन कप्तान के तौर पर और टीम कॉम्बिनेशन जिसमें आप भी हैं, और खास तौर से ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सीरीज आपके लिए, तो उस नजरिए से थोड़ा सा बताइए। हरमन के बारे में आई थिंक कप्तान अभी इंडियन टीम की कप्तान तो वो अभी रिसेंटली बनी है, पिछले
आई मीन टू वर्ल्ड कप्स, कॉमनवेल्थ वाला जो पूरा टूर निकला है, बट उससे मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ, मैं उसके साथ बहुत टाइम से खेल रही हूँ। और अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो जोन में शायद वो कप्तान थी और मैं वाइस कप्तान थी जब पहली बार मैंने खेला, बिल्कुल तो उस टाइम से वो पंजाब से है, तो बिल्कुल नॉर्थ में ही हम सारी क्रिकेट खेले हैं, बाद में रेलवेज के लिए भी, तो काफी क्रिकेट खेली है, उसके साथ काफी कुछ सीखा भी है। और काफी इंस्पायरिंग है कि वो आजकल की गेम के हिसाब से इस अगर हम बात करें कि शी इज इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो एट दिस एज कि आप गेम को चेंज कर सकते हो। और शी इज समवन जिसको मैंने हर साल गेम को इम्प्रोवाइज करते हुए देखा है, और जिस तरीके की डिमांड है वहाँ उसमें चेंजेस लाते देखा है, तो कहीं ना कहीं उसको देख के अच्छा लगता है, खुद को थोड़ा इंस्पायर मोटिवेटेड फील करते हैं कि अगर वो चेंजेस ला सकती है गेम के हिसाब से तो वाई नॉट अस। बाकी अभी कप्तान एंड आई थिंक शी इज आई मीन इंडियन टीम बहुत अच्छी सेफ हाथों में है, बिकॉज शी इज ऑल्सो समवन नाउ जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टाइम टीम में, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं मैं कहूँगी, और टीम को बहुत अच्छा लेके चल रही है जो कि अच्छी बात है। और होपफुली अब आने वाले टाइम में हम कोई ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट में और अच्छा करें और आईसीसी टूर्नामेंट जीते, अभी फाइनल्स जो हम रनर्स अप आ रहे हैं उसके बिल्कुल बाद ट्रॉफी जीत के और लाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब तो अब टीम कुछ ही दिनों में जा भी रही है वर्ल्ड कप के लिए, तो ये इस टीम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने हमें पता है हम रनर अप्स रह चुके हैं, फिर पहला मैच हमारा पाकिस्तान के साथ है। ये पाकिस्तान वाला जब भी मैच आता है, चाहे वो मेंस का हो या वुमेन्स का हो, एडिड प्रेशर तो ग्राउंड पे होता ही होता है। आप लोग कैसे डील करते हैं इसको? ना सिर्फ पाकिस्तान वाला मैच मैं कहूंगी प्रेशर रोज रहता है, नॉट जस्ट मैच बट जिस दिन आई मीन अगर हम किसी कोई प्रैक्टिस मैच भी एकेडमी में खेलते हैं या फिर कोई उसमें भी प्रेशर रहता है, तो प्रेशर तो जायज है जब तक आप खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो हर जगह प्रेशर है। बट उस दिन यस थोड़ा अलग रहता है, स्पेशल रहता है, क्योंकि आपको पता ही है वो हाइप किस तरीके की बनी हुई है, ना जस्ट खेलने वालों में बट देखने वालों में भी, और चाहे बिल्कुल वो इंडियन फैंस हो चाहे पाकिस्तानी फैंस हो, सब में है। लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं। आई थिंक अभी जिस तरीके से मिडल ऑर्डर हमारा अभी बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग भी अभी बहुत बेटर रिजल्ट्स दे रही है, और साउथ अफ्रीका में मैचेस है, तो कहीं ना कहीं वो ये जो दोनों मिडल ऑर्डर में बैटिंग का अच्छा होना और फास्ट बॉलिंग, अभी जिस तरीके से फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं रेणुका की अगर मैं बात करूँ, और शिखा, इवन शिखा इज बैक, बिल्कुल तो शिखा के आने से बहुत ज्यादा टीम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डिपार्टमेंट्स मुझे लगता है थोड़े से शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में मैं कहूंगी कि यहाँ से थोड़ा सा बेटर हम जा सकते हैं, और टूर्नामेंट को जीतने का पूरा अभी भरोसा है कि टीम अच्छा करेगी। सुषमा, आखिरी के कुछ दो तीन सवाल। पहला सवाल तो ये कि अब वो वक्त आ गया है जब एग्जीबिशन मैचेस नहीं होंगे आईपीएल के, अब प्रॉपर फुल फ्लेज्ड आईपीएल होगा। बीसीसीआई ने पूरी तैयारी कर ली है और बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के मन में था कि क्यों नहीं एक ऐसा ही टूर्नामेंट खेला जाए जो प्रॉपर विमेंस आईपीएल का नाम हो। इंडियन क्रिकेट कितना बदलेगा, इंडियन विमेंस क्रिकेट आईपीएल, विमेंस आईपीएल की वजह से? बिल्कुल बदलेगा, मैं तो कहूंगी बहुत हर कोई ये चेंजेस देखना चाहता है कि विमेन्स आईपीएल आने के बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें मेंस गेम की भी अगर बात करें, तो जब आईपीएल शुरू हुआ था तब क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या था और अभी क्या है। अभी आप देखो कि इंडिया की दो तीन तीन टीम्स खेल रही है एक साथ, और जो भी आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है सबको मौका मिल रहा है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं कहूंगी जब आप ओवरसीज प्लेयर के साथ और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ मिक्स होके खेलते हो, और वो प्रेशर सिचुएशंस में आप वहाँ मैचेस निकालते हो, तो वो इम्पैक्ट जो है विमेन आईपीएल से हमारी इंडियन टीम को भी मिलेगा, बहुत सारे प्लेयर्स को चांसेस मिलेंगे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म हर प्लेयर चाहता है कि उसको मिले। तो जिस तरीके से बिग बैश और किया सुपर लीग की अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो वो भी काफी बेटर हुई है ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस, शायद वही कारण है कि वो लोग बैक टू बैक टाइटल्स जो जीत रहे हैं, क्योंकि वही प्लेयर्स जब अपनी टीम के लिए वो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं तो उनको पता है कि ये कैसे हैंडल करना है इसको इंटरनेशनल में जाके भी, और सेम इंग्लैंड का है, और डेफिनेटली हम भी अभी उसी बात पे है कि हमारी टीम और बेटर होगी, और मुझे लगता है और बेटर नहीं, हम वर्ल्ड में बेस्ट नंबर वन बनेंगे। बिल्कुल, और हमें उम्मीद भी ऐसी ही है, और बीसीसीआई भी काफी आप लोगों के लिए सोच रहा है। अब देखिए, जो अगर हम मैच फीस की बात की जाए इंटरनेशनल मैचेस के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, बोर्ड सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह। एक चीज और, अगर आप T20 फॉर्मेट पे मेंस क्रिकेट में किसी एक प्लेयर को, मैं बोलूंगा उनकी स्टाइल या फिर उनकी टेक्निक को अगर आप देखती हैं, तो वो कौन है और
थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई एक होता है ऐसा जिसको हम देखते हैं, तो जैसे सूर्या है, सूर्या की अलग स्टाइल है ना, फिर विराट कोहली का अलग स्टाइल है, तो आप किसको देखती हैं? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बिकॉज मैच तो ऐसा किसी का कोई नहीं है, सब सब डिफरेंट ही है अपने आप में, सबका अपना स्टाइल है. बट कंपैरिजन करना कि सूर्या जैसा है या फिर किसी और जैसा, ऐसा कोई नहीं है. बट आई फाइंड कि जो जब आप इंडियन टीम में खेल रहे होते हो, सब स्किलफुल है, सब टैलेंटेड है. पर मैं इतना ही उम्मीद करती हूँ कि सब जिसका जो कैलेबर है, सब उस हिसाब से परफॉर्म करते रहे और अच्छा करते रहे. बाकी ये बड़ा डिफिकल्ट है ये कहना कि सूर्या जैसा कौन है या ऐसा कौन है. बट यस, गुड टू सी कि शेफाली, रिचा, दीज टू आर उस यंग यंग जनरेशन आप कहो, जिस तरीके से अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं दोनों. तो ये दोनों मैं कहूंगी कि आने वाले टाइम में काफी बेटर, और WIPL से भी काफी प्लेयर्स निकलने वाले इस तरीके के. बाकी मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन सही है किसी से करना. नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। एक चलते चलते सिर्फ एक चीज मैं पूछूंगा सुषमा जी आपसे। हमारे विकेट कीपर ऋषभ पंत, आपको पता है उनकी एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया। सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो। मुंबई भी आ गए हैं और BCCI लगातार मॉनिटर कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली सब यही जो है विश कर रहे हैं कि जो है वो जल्द से जल्द वापस आए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप का ईयर है मेंस क्रिकेट के लिए, और ऋषभ पंत एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही प्रे कर रही हूँ. मैंने ऋषभ के साथ खेला है. आई रिमेम्बर धर्मशाला में एक कैंप हुआ था, ऋषभ वॉज जस्ट 16 और 17 दोज डेज. तो मैंने वो कैंप किया उसके साथ, मैं उनको जानती हूँ काफी अच्छे से. बट जिस दिन ये खबर सुनी तो बहुत लाइक आई फेल्ट लाइक वेरी पर्सनल, वो एक तरीके से मैं कहूंगी कि जो चीज उनके साथ मिस हैपनिंग हुई है. बट यस, प्रेयर्स विशेज उनके लिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हर कोई कर रहा है. और आई एम श्योर कि अभी वो ही इज इन राइट हैंड्स, BCCI पूरा ध्यान रख रही है और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे. आई एम होपफुल कि जो आपने बात करी कि आने वाला टाइम काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, तो वो डेफिनेटली जल्दी ठीक होए और टीम में वापसी जल्दी करें. होपफुली होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत वापसी करें, और हमारी ये भी उम्मीद रहेगी कि अब आप जब आपको मौका मिला है तो इस मौके को पूरी तरीके से भुनाएंगे और फिर से इंडियन टीम के लिए एक बार जो है कमाल करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच सुषमा, हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल सो मच, द वेरी थैंक बेस्ट। यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक ठीक है? है. थैंक नहीं यू। मुझे उम्मीद है कि ठीक से गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ऐसा कुछ मैंने पूछा तो नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. बाकी आपको जो लगता है, बीच में मैंने अगर झोल मोल करा है तो फिर. नहीं, वो मैं देख लूंगा, वो एडिट टेबल पे देख लूंगा, डोंट वरी। ठीक हाँ जी, हाँ है, जी. ऑल द बेस्ट सुषमा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, करके। सेम हियर, थैंक यू. मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।